Praise the Lord, God's morning, प्रभु की स्तुति तारीफ और जय जयकार हो एक और बार। यह है विजनरी रेडियो टीवी का खास प्रोग्राम 10 मिनट प्रभु के साथ। आज हम 24वां अध्याय देखेंगे इसहाक के विवाह का वर्णन। शादी शादी बहुत मज़ेदार होती है ना, शादी का नाम सुनते ही हमें बड़ा मज़ा आता है, ओ शादी में जाएंगे लेकिन शादी जो है यहाँ पर मज़ेदार। 24 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उस आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनी और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। वाचा बांधने का एक तरीका, जांघ के नीचे हाथ रख कर। तीसरे वचन में लिखा है, मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लाना। देखिए ये बात शादी के लिए हो रही है और यहाँ पर एक पिता की चिंता और वैसे हम सब की चिंता भी होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता या मसीह का बलियाल के साथ क्या नाता। एक मसीह विश्वासी की शादी किसी भी हालत में अगर हो तो अविश्वासी के साथ ना हो। रिसेंटली एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले कि इसकी शादी देखो ये लोग चर्च आते हैं और ये शादी अविश्वासियों में क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा चर्च आने से मतलब नहीं है कि वो विश्वासी है। विश्वासी वो है जो अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाता है, वही विश्वासी है। और अभी तक जो सब कुछ सुन के या जानकर भी अनजाने में तो उसने कभी विश्वास किया ही नहीं, कभी तक उसने अभी अपने आप को समर्पित किया ही नहीं, तो वो किस प्रकार का विश्वासी ठहरा। विश्वासी वही है जो वचन के अनुसार चले, और जो वचन के अनुसार नहीं चलता वो अविश्वासी है, यानी कि अभी तक वो प्रभु को प्रभु के वचन को नहीं जानता और उसके अनुसार जीवन नहीं जीना चाहता। या अब्राहम को भी चिंता थी, इसलिए उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरे बीच में जो है कनानियों की लड़कियाँ जो है जो रहता जिनके पास मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। बहुत खूबसूरत बात है। देखिए इसके आगे क्या लिखा है, दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा। अब्राहम ने अभी देखिए बुद्धिमानी से सवाल पूछा। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिनसे मुझे मेरे पिता के घर की ओर से मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ ना ले जाना। साफ मना कर दिया अपने पुत्र को वहाँ ले जाने से। 9वें वचन में, तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाई। ये शपथ जब खाई गई, देखिए लोग इस बात पर बहुत गंभीर थे कि वो किसी भी रीति से कुछ गलतियाँ ना करें, और शपथ जो खाने का कारण था कि ईमानदारी बढ़ती जाए हर बात में। हम अपने बचपन में भी हर बात के लिए बोलते थे, खा कसम, माँ की कसम खा, ये बचपन की बातें थी। पर आज जब हम मसीह में हैं तब हमने जान लिया कि कसम खाना अलाउड नहीं है, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। न्यू टेस्टमेंट में ये अलाउड नहीं है, लेकिन इसके बाद देखिए आगे और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। 10वें वचन में लिखा है, तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँट कर अब उसके साथ उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकली थी। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा। देखिए ये दास जो है, परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञाएं दी थी, तो उन आज्ञाओं के अनुसार अगर हम देखते हैं वो हालांकि आज्ञाएं जो मूसा के समय में आगे की पुस्तक में हमें मिलेगी, लेकिन अब्राहम जो धर्मी व्यक्ति था, जो परमेश्वर का निज प्रजा कहलाया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब जातियों का उसे पिता ठहराया, अब्राहम के समय में उसी का एक सेवक जिसको यहाँ भेजा गया है, वो सेवक भी यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहा है, पुकार रहा है और कह रहा है अब्राहम के परमेश्वर। ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या प्रार्थना की, उसने प्रार्थना बैठाया तो जल भरने निकली। 12वें वचन में लिखा है, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर
और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियाँ जल भरने के लिए निकली आती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊँगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसाक के लिए ठहराया हो, इसी रीति मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। देखिए, गंभीर शब्द है, उसने एक चिन्ह रखा, या तो प्रभु तू मुझे बता दे ऐसा है, ये वाली नहीं वो वाली लड़की, उससे शादी होनी है, या तो तू बता दे, और अगर नहीं तो ऐसा कर कि मैंने जो कहा है प्रभु, होने दे कि जिससे मैं कहूँ कि मुझे अपना घड़ा नीचे कर कि मैं पानी पी लूँ, वो मुझे पानी पिला कि ले पी ले, और तू पी ले, और उसके बाद मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊँगी। बोले मैं तब ऐसे जान लूँगा कि ये वही लड़की जिसे तूने मेरे स्वामी पर अनुग्रह करके उसे दिया है। सवाल बहुत अच्छा था। और देखिए उसके बाद क्या होता है, 15 वचन में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वह यह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई, वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुँह न देखा था। वह कुएँ में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास अपने उनसे भेंट करने के लिए दौड़ा और कहा, अपने घड़े में थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु ले पी ले, सेम वर्ड, हे मेरे प्रभु ले पी ले, और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर कर लाऊँगी जब तक वह पी ना चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े को जल हौद में उडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। नॉर्मली एक बहुत ही कठिन मिशन पर भेजा था, ऐसा मिशन जो कि बहुत मुश्किल है, और इस मिशन पर जब इतनी बड़ी मुश्किलें थी उसके बावजूद यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उस लड़की ने वो सब बातें कही जैसा कि उसने प्रार्थना करके कहा था, ठीक वैसा ही, और इसीलिए वो आनंदित था, खुश था और देख रहा था। देखिए ज़्यादातर आजकल ना बहुत सारे लोग जो है लोगों को ये सिखाते हैं, मैंने देखा है बच्चों को माँ बाप ये सिखाते हैं, अरे तू कोई नौकर लगा हुआ है उनका जो काम कर रहा है उनके लिए, तू कोई ऐसा आदमी है क्या, तू वैसा आदमी है क्या, तू खाली है क्या, अपना काम देख, अपने घर में आराम से बैठ, तू ये कर। माँ बाप बच्चों को ये सिखाते हैं, कहीं आप भी तो नहीं सिखा रहे हो चर्च में भी बच्चों को, अरे वो कर लेंगे, वो काम नहीं करते, ये नहीं करते, हमारा ही बच्चा सारा काम करता है। अगर आप ऐसा कुछ सिखा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को, गलती है तो सुधार लीजिए। आज यहाँ पर उसने जो कुछ कहा और जो कुछ देखा उस बात के लिए वो बड़ा खुश और आनंदित था कि यहोवा तेरा धन्यवाद। सोचो आपकी अगर इस तरह से प्रार्थना का जवाब मिले तो मैं कहूँगा, मैं तो ऐसे नाचूँगा, और मैं ऐसा ही करता हूँ मेरे प्रियो, मैं भी कभी कभी ऐसे ही बातों को प्रभु यहोवा से पूछता हूँ, यदि तेरी इच्छा पूरी हो तो। मुझे अपनी कार खरीदनी थी तो मैंने यहोवा से कहा, प्रभु यहोवा जिस किसी का फ़ोन कॉल मेरे पास पहले आएगा मैं वही कार खरीदूँगा, और अगर आज नहीं आया तो मैं अब कोई कार नहीं खरीदूँगा। यू नो वट, एट दैट लास्ट टाइम 7 साल पहले की ये बात है, और मेरे पास जो कार का ऑप्शन आया, क्योंकि मेरे पास और बेहतरीन कार की भी ऑप्शंस थे जो मुझे अच्छे डिस्काउंट मिल रहे थे, बट यू नो आई सेड लॉर्ड इफ़ यू थिंक ये सही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। यकीन मानिए उस कार को लेने के बाद मैंने बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कई बार उसे बेचना भी चाहा, बट यू नो वट, जैसा मैंने सोचा प्रभु ने हमेशा मेरे लिए भलाई ही उत्पन्न की। कई बार मैंने सोचा कि मैं कार ना चलाऊँगा, मैं सिर्फ मोटरसाइकिल ही चलाऊँगा, मैं मोटरसाइकिल ज़माने से चला रहा हूँ, मैं एक बाइकर हूँ, प्रोफेशनली नहीं हूँ लेकिन मैं बाइकर हूँ और मैं यही करता था। बट यू नो वट, जब मैंने ये किया तो उसमें भी मैंने भलाई ही हमेशा देखी, प्रभु की योजना है। और फिर जब आगे लिखा है 22 वचन में लिखा है, जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नत निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है, यह मुझको बता, क्या तेरे पिताजी घर में हमारे टिकने तेरे पिता के घर में या हमारे टिकने के लिए स्थान है। उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है
और टिकने के लिए स्थान भी है। हालेलुया, द गॉड इज सो ग्रेट, आमेन। परमेश्वर के जैसा कौन है जब एक ऐसा व्यक्ति घुटने टेक कर कहता है यहोवा को, हे यहोवा तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि लिखा है आगे 27 वचन में, धन्य मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाया, मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर वह पहुँचा दिया, जहाँ मुझे वाकई में पहुँचना चाहिए था, प्रभु तूने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। 28 वर्स में लिखा है, तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लाबान, जो रिबका का भाई था, बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया, और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तो क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान के ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उनके और उसके दास साथियों के पांव धोने के लिए जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूँ तब तक कुछ न खाऊँगा। लाबान ने कहा, कह दे। You know what? This chapter is a little bigger than other chapters, and that's what 34 verse जो 34 वचन से आगे तक अगले एपिसोड में, यानी कि कल हम सुनेंगे। But that's a beautiful thing. The God always speaks. क्या प्रभु के सामने है, क्या प्रभु पे भरोसा रखते हैं? नीति वचन उसका 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तभी वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये सीधा मार्ग है यहोवा का, आज भी वो आपके लिए ऐसा ही मार्ग निकालेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चैम्सी की आप कहते हैं, एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।